नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। कंगना रनौत बॉलीवुड की अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें किसी से भी पंगा लेने में कोई डर नहीं लगता है। बेबाकी से अपनी राय लोगों के सामने रखती हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठाने वाली कंगना का हाल ही में सामने आया एक इंटरव्यू ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। उन्होंने बॉलीवुड में मूवी माफिया से लेकर सुशांत सिंह आत्महत्या मामले तक सभी मुद्दों पर खुलकर बात की है। इस बार उनके निशाने पर बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं जिनमें तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर का नाम शामिल है। उन्होंने तापसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर उन्हें करण जौहर इतने ही पसंद है तो वो अब तक बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों है। उनका कहना है कि तापसी और स्वरा दोनों ही देखने में आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से बेहतर है और एक्टर भी बेहतर है, फिर भी इन्हें बड़ी फिल्में न मिलने का कारण नेपोटिज्म है और इससे ये बात साबित होती है। इंटरव्यू में दिया गया कंगना का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस मामले पर तापसी और स्वरा ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है। तापसी पन्नू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैंने सुना है 10वीं और 12वीं के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है, हमारा ग्रेड सिस्टम तो अब ऑफिशियल है, लेकिन अभी तक तो नंबर सिस्टम पर वैल्यू डिसाइड होती थी ना। स्वरा भास्कर ने भी कंगना की बातों पर जवाब देते हुए लिखा कि भूखे आउटसाइडर, बी ग्रेड एक्ट्रेस, लेकिन आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से अच्छे दिखने वाले और उनसे बेहतर एक्टर भी, मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। आपको बताते चले कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले के बाद से ही करण जौहर, आलिया भट्ट, कंगना के निशाने पर बने हुए हैं, जिसके बाद स्वरा भास्कर ने करण जौहर का सपोर्ट भी किया था, जो बात कंगना को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि अपने इंटरव्यू में कंगना ने स्वरा, तापसी, ऋचा चड्ढा, आलिया भट्ट जैसी सभी एक्ट्रेसेस पर जबरदस्त हमला बोल दिया है।